हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका विद्यांजलि आईएएस में। डेट है आज की 25 मार्च 2022। ये डेट इधर खिसक गई है ईयर थोड़ा सा। और पार्ट है आपके सामने 53rd इस पूरी सीरीज में जो चल रहा है। जिन्होंने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे एक बार उनको देख लें, जिससे कि आगे की चीज़ें आपको समझ में आएँ और एग्ज़ाम में जब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपसे बच करके न जाएँ। ओके। और दोस्तों, हाँ, हम जो डिस्कस करते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसको एडवांस तक लेकर के जाते हैं। करंट के साथ में हम उसका स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस करते हैं। इसका सीधा मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको पसंद नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नज़र आती है, तो आप मीन्स प्लीज़ क्या करें, हमें कमेंट करें तो हम आपकी शंका का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और ये सीरीज़ आगे ऐसे ही चलती रहेगी। आपके सिलेबस को हम बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरा कवर करवाएंगे, कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 11th नंबर क्वेश्चन से। मींस इससे पहले फेब्रवरी की साइंस एंड टेक में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेडार। यहाँ बात हो रही है लेडार टेक्नोलॉजी की, कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको आपको देख करके बताना है कि उनके बारे में क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। लिडार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आइए, लिडार इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स्ड लेजर टू एग्जामिन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या ये काम करने के लिए यूज होती है, अर्थ को जो है सरफेस को जो है मेजर करने के लिए, डिस्टेंस वगैरह उन सब के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए? चलो देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, लिडार कैन बी यूज टू क्रिएट 3D एलिवेशन मैप ऑफ अ पार्टिकुलर लैंड। कोई लैंड है उसका क्या ये 3D मैप, 3D ऑब्जर्वेशन एलिवेशन बनाने के लिए क्या ये यूज हो सकती है? एक दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, लिडार कैन डिटेक्ट पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकती है? इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि किसी गैस के भी पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर ले। ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं, या तो एक और दो, या एक और तीन, या दो और तीन, या एक दो तीन, ऑल करेक्ट। एक्चुअली में यहाँ पर ये ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब मैं आपको इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में ये करेक्ट क्यों है। देखो, लिडार जो है एक टेक्नोलॉजी है और ये काम आती है रिमोट सेंसिंग के। ठीक है, रिमोट मीन्स होता है दूर, डिस्टेंस पर, और सेंसिंग मीन तो होता है उसका पता लगाना। और ये एक मेथड है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो लाइट होती है वो भेजी जाती है और उस लाइट के हिसाब से कंप्यूटर्स कैलकुलेट करते हैं कि वो चीज़ कितनी दूर वगैरह पर, कहाँ पर है और उसकी क्या शेप वगैरह है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसको 3D एलिवेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइट से यहाँ पर जो है स्पेस में कोई सॉरी जो है एस्ट्रॉयड वगैरह है तो उसकी इस शेप वगैरह के मामले में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। प्लस एनवायरनमेंट स्टडीज में भी इसका काफ़ी यूज हो रहा है कि इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, उनको भी पता लगाया जा सकता है इस लेडार टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ओके, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो एक्चुअल में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या यूज होता है, लाइट यूज होती है, 3D एलिवेशन भी इसके द्वारा किया जा सकता है और छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी ये क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो इससे आपका बेसिक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट इज लिडार टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो लिडार कैन डिटेक्ट पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स, देखो तो एनवायरनमेंट में इसका यूज हो ही सकता है, ये सब हम अभी देख चुके हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। ठीक है, जब गैस की इसमें बात हुई है तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मीथेन को भी हमने ऐसे ही एक बार डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहीं साथ में ही कि ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, द केमिकल फॉर्मूला क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, S2O आपको लर्न कर लेना है।
नेक्स्ट है इट एग्जिस्ट इन स्मॉल कंसंट्रेशंस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत छोटी मात्रा में पाई जाती है, बाकी वीनस पर भी पाई जाती है। वीनस का मतलब है यहाँ पर शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह पर भी पाई जाती है और वहाँ पर ये तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से निकलती है, जब ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये वहाँ से निकलती है। प्लस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में से जो धुआं वगैरह निकलता है वहाँ से भी निकलती है, और जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ से भी ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और ये काफ़ी पॉइजनस होती है हेल्थ के लिए, ठीक है। और इसकी केमिकल कंपोजिशन में SO2 होता है, ठीक है। इसके अदर नेम क्या क्या हैं, देखो सल्फर सल्फ्यूरियस एसिड एनीहाइड्राइड, ये इसका नाम है, ठीक है, एनीहाइड्राइड, सल्फ्यूरस एनीहाइड्राइड और सल्फर ऑक्साइड, ये इसके क्या हैं अदर नाम है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कलरलेस होती है। इसमें से बदबू कैसी आती है, रॉटन एग, सड़े हुए अंडों जैसी इसमें से बदबू आती है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये कि कौन सी गैस है जिस गैस को सूंघने पर सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या पानी में घुल जाती है, यस इट इज़ वाटर सोल्यूबल, हाईली वाटर सोल्यूबल है, पानी में बड़ी आसानी से घुल जाती है, और इट लिक्विफाइज ईजली, आसानी से ये लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर में तो ये आसानी से घुली जाती है। देखो HO2 पानी में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2SO3, ओके। इट डज नॉट सपोर्ट कम्बशन नॉर इज इट कम्बस्टिबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि देखो ये आग जलाने में इसका कोई रोल नहीं है, ये ना तो जलती है, ठीक है, और ना ही ये आग लगाती है ये गैस, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने हो गई। यूजेस ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड के यूज़ क्या हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होती है, भोजन वगैरह के जो पैकेट्स वगैरह आते हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए कि वो जल्दी ख़राब ना हो, तो फूड इंडस्ट्री में अच्छा खासा इसका यूज होता है। दूसरा ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होती है, जैसे जब ज़्यादा क्लोरीन वगैरह हो जाती है पानी में तो उसको भी कम करने के लिए यूज होती है। प्लस ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होती है कि जिससे कि फूड वगैरह में जो बहुत लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, उनको रोकने के लिए भी ये यूज होती है, इसलिए डिसइंफेक्टेंट भी हम इसको कहते हैं। तीसरी बात, ये कोल्ड स्टोरेज के प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर भी अच्छे स्तर पर यूज होती है, उनमें एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है, बड़े जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं। तो आप अगर कभी इसमें आलू वाले कोल्ड स्टोरेज में गए होंगे तो ये एक अजीब सी स्मेल वहाँ पर हमको मिलती है, जो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर का काम कर रही होती है वहाँ पर ये गैस यूज होती है, ठीक है। बाकी हेल्थ के लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर ये हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर लेते हैं तो। और मेन प्रॉब्लम्स इसकी होती हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम वगैरह से हो सकती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ITER प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमें पता करना है कि भाई ये क्या है। तो ITER इज मेगा प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, टू डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। मीन्स जो अब बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेट हो रही है क्या, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। यहाँ फिजिबिलिटी का मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई चीज़ अगर वो स्मॉल लेवल पर यूज हो रही है तो क्या हम उसी चीज़ को अगर बड़े लेवल पर लार्ज स्केल पर यूज करें तो क्या वो उसका उपयोग हो सकता है और वो कितना खर्चा वगैरह आएगा, दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी, ओके। तो यहाँ बात हो रही है कि एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें जो हो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो यूजेज हैं किसके, न्यूक्लियर फ्यूजन के। आपको पता ही होगा ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, सन में, तो इसको जो साइंटिस्ट हैं वो यूज करना चाह रहे हैं, यस करेक्ट। इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, हाँ विश्व का सबसे बड़ा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्रोजेक्ट होगा ये अब तक का, जिसमें प्लाज्मा फिजिक्स को क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ बिल्ट इन चाइना एंड इंडिया इज़ पार्टी, भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चाइना में नहीं है, जबकि है कहाँ पर, ये फ्रांस में। तो अब देखो यहाँ हम आपको पहले मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ कि आंसर हमारा हो गया बी। तो एक और दो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, एक तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी सन में यूज होती है, जो सिस्टम चल रहा है सन का,
और ये लार्जेस्ट अब तक का मेगा जो है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्रोजेक्ट है, जो इसकी स्टडी किस पे कर रहा है, ये प्लाज्मा फिजिक्स पर भी इसमें प्रयोग हो रहा है। प्लस ये चाइना का नहीं है, कहाँ पर है ये? ये है भाई दोस्तों आपका फ्रांस में, साउथ फ्रांस में इसका प्रयोग चल रहा है। तो यहाँ से बेसिक पता चल गया कि ये है क्या, ठीक है, ITER है क्या, क्यों इस पर काम हो रहा है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया भी इसका इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो बड़े लेवल पर चल रहा है। देश बहुत सारे कंट्रीज में शामिल है, जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, USA, ये बड़े बड़े देश इसमें क्या है शामिल हैं, टोटल 7 कंट्रीज के पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। कैसलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, जो कैसलर सिंड्रोम है अभी न्यूज़ में रहा, ये किससे रिलेटेड है? ओके, हम इसकी बात करते हैं। हाँ यार दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, कैसलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद मेटियोर शावर, स्पेस जंक, ग्रेविटेशनल लेंसिंग या ब्लैक होल्स, ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअली में दिस फेनोमेना इज रिलेटेड विद स्पेस जंक। क्यों? अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक पिक्चर की मदद से, ठीक है। कैसलर सिंड्रोम एक फिनोमेना है जो किससे रिलेटेड है? जंक इन ऑर्बिट ऑफ जो प्लैनेट्स वगैरह हैं उनका, जैसे अर्थ वगैरह का। अब मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गई हमारे अर्थ के मीन्स आसपास की क्या ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट। तो मनुष्य ने जो स्पेस साइंस में इतनी इतना ग्रोथ जो की है, अब वो क्या रहा है कि सारे के सारे कंट्रीज बहुत सारे सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अब इनकी अपनी एक लाइफ होती है सैटेलाइट्स की, जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो इनको वापस तो अर्थ पर बुलाया नहीं जाता, ये सारा का सारा वहां पर क्या बनता चला जा रहा है, कचरा, जंक, JUNK, जंक। तो इस स्पेस जंक को ही कैसलर सिंड्रोम कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सारा कचरा स्पेस में बन गया है। अब होगा क्या, जब फ्यूचर में कभी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होंगे, जब ये कचरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम जो यहाँ से नीचे से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, फिर आप ये टकराएंगे भी तो सही, हमारे स्पेस मीन्स लॉन्च व्हीकल से टकरा सकते हैं, सैटेलाइट से टकरा सकते हैं, और उन सैटेलाइट्स को क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, और देख लो इंसानों ने कितनी तरक्की की है, लेकिन इन्होंने हर जगह पर मनुष्यों ने क्या कर दिया है, कचरा कर दिया है भाई, ठीक है। तो इसको आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, तो वहाँ पर भी इसको आप एज ए फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसलर सिंड्रोम है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होती हैं, इनके यूज क्या क्या है? इनके यूज देखो अर्बन प्लानिंग में यूज हो सकते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ लो कि ये अर्थ है और इसको ऊपर से जो सैटेलाइट्स हैं वो देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करें देखो अर्बन प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, मिनरल के प्रोस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, कहाँ पर कितने मिनरल वगैरह हैं, ओशियन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो बड़े लेवल पर इनका क्या है यूज है, इसीलिए ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ये आपको बताए दिए, एनवायरनमेंट में यूज है इनका, फॉरेस्ट्री में है, ओशियन में है, और रूरल या प्लानिंग उसमें डेवलपमेंट में है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनके बड़े लेवल पर क्या हो रहे हैं, यूजेस हो रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विटामिन डी वर्क्स मोर एज ए हॉर्मोन एंड इट्स की टू मेंटेनिंग मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड इम्यून सिस्टम। जो विटामिन डी है ये हार्मोन के साथ साथ और क्या काम करता है, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को मेंटेन करने में और हमारे इम्यून सिस्टम को। तो अभी तक शायद आपने सुना नहीं होगा कि विटामिन डी का रोल किसी इम्यून सिस्टम में भी होता है, अभी हो क्या रहा है कि कुछ रिसर्च वगैरह चल रहे हैं तो उसकी वजह से न्यूज़ में रहा है विटामिन डी। तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी फंक्शन करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक फंक्शन आप जानते होंगे कि जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं, भोजन जो हम करते हैं उसको डाइजेस्ट होना, उसमें से एनर्जी को यूज करना, ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है, एक बड़ी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया, द ग्लूकोज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एंड स्टोर्ड इन द स्केलेटल मसल। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ढांचा हड्डियों का, उसमें कुछ मसल चिपकी होती हैं, ठीक है, वो जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, इस स्केलेटल मसल में भर जाता है, वहाँ स्टोर हो जाता है।
एंड प्रोड्यूस एनर्जी आफ्टर फूड कंज्यूम्ड इज डाइजेस्टेड। देखो पेट में जब फूड होता है उसमें से एनर्जी तब तक मिलती रहती है जब वो डाइजेस्ट होता रहता है, लेकिन जब पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो एनर्जी लेवल कहाँ से यूज में आने लगता है, ये जो स्केलेटल की मसल्स होती है यहाँ से एनर्जी यूज में आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी, ये थोड़ा सा जो है उसके ऊपर आ गया है वाटरमार्क के। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी द स्केलेटल मसल इज स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। अगर विटामिन डी नहीं है तो जो स्केलेटल मसल हैं उनको एनर्जी की कमी हो जाएगी, स्टार्व हो जाएंगी, वो डिक्रीजिंग मसल मास और मसल मास कम हो जाएगा इंक्रीज अगर। तो हमने अभी पहले स्टेटमेंट में देख लिया था कि ये जो स्टोर कहाँ होता है, स्केलेटल मसल में जो स्टोर होता है, तो वहाँ से अगर वो नहीं होगा स्टोर तो भाई वहाँ को एनर्जी नहीं मिलेगी तो भूखी हो जाएंगी वो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अरे नेक्स्ट हो जा भाई। तो हमारे पास आंसर हो जाता है डी। तो ये तीनों ही बात क्या है, करेक्ट है कि जो हमारी जो विटामिन डी जो हमारे यूज़ में काम में आती है वो इसमें कई सारे जो अभी रिसर्च हुए हैं वो अभी जो ऊपर कारण हमने बताए थे कि जैसे मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो गया, स्केलेटल का जो मसल मास हो गया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग में भी काम दे रहा है, किसके लिए, इस स्केलेटल मसल के लिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा कि विटामिन डी जो है हड्डियों को भी मजबूत करता है। अब ये कैसे, अब विटामिन डी की यहाँ पे बात हुई है तो इसका हम बेसिक बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चीज़ें तो अभी हमने यहाँ पे देख ली थी, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, अब विटामिन डी से जो हम जो है रिसर्च की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन हाँ यूज करती है। विटामिन डी इज ए फैट सोल्यूबल, ये अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये किस में घुलती है, फैट में, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और इसी की फैमिली की क्या है, D1, D2, D3, ये भी अदर क्या है, विटामिन्स हैं। हमारी बॉडी खुद से क्या करती है, विटामिन डी को बनाती है जब हम सूर्य की किरणों के सामने सन रेज में आते हैं, और कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जहाँ से हमको ये मिलती है। ओके, फूड सप्लीमेंट्स भी बाजार में उपलब्ध है, वहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके अदर भी कई सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, बॉडी की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, मींस जब बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स, हमारे टीथ, ये सब भी क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन डी की वजह से। ठीक है, पीपल विद हायर बॉडी वेट्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लो विटामिन डी। जिनकी बॉडी में ज़्यादा वेट होता है, बहुत मोटे मोटे जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल हमेशा कम पाया जाता है। इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा लोग बोल देते हैं कि यार बहुत मोटा है भाई, अगर गिर गए तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि मोटे लोगों में उनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी टूटती हैं और उनके जो जो स्केलेटल सिस्टम है वो ज़्यादा हार्म मीन्स जो है वल्नरेबल होता है किसी भी चोट के लिए। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं। ये बेसिक कई सारे क्वेश्चन हैं भाई दोस्तों, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आपने गौर से इस वीडियो को समझा। तो पहली बात तो देखो, विटामिन ए, देखो ए डी ई एंड के, ये चार विटामिन्स हैं जो फैट में घुलती हैं, वसा में घुलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब विटामिन ए देख लीजिए आप, ये कहाँ मिलती है, पोटैटो में मिलती है, कैरेट्स में बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, पंपकिन में भी होती है, स्पिनक में भी होती है, बीफ में होती है और एग्स में होती है, लेकिन कैरेट ए सबसे ज़्यादा होती है कैरेट्स में। ठीक है, और इसी की वजह से लोग कहते हैं कि भाई आँखों की कमजोरी है तो गाजर खाओ। और एक चीज़ और कहाँ मिलती है, ये जो पके हुए आम होते हैं, पीला एकदम आम पका हुआ, उसमें बहुत सारी विटामिन ए होती है। ठीक है, तो वो भी आँखों के लिए फ़ायदा करता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी विटामिन डी, ये कहाँ मिलती है, जो अलग से मिल्क वगैरह है उसमें फोर्टिफिकेशन हो रहा है, उसमें अलग से मिलाई जा रही है, वहाँ पर मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है और धूप से, तो ये बनती है। विटामिन ई, ये सेरल्स में पाई जाती है, कच्चे मोटे जो अनाज होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे जो है लीफी ग्रीन्स होती हैं उनमें पाई जाती है, पालक वगैरह ये सब हैं, सीड्स, जैसे कुछ लोग मूंग को गला करके, चने को गला करके खाते हैं, उसमें अच्छी खासी विटामिन ई होती है। और इसका स्किन के ग्लो में बहुत बड़ा रोल होता है, ग्लो ऑफ स्किन में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है, और यही वो विटामिन है जो मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम, के बच्चों को जन्म देने की जो पावर होती है। ठीक है,
उसको भी बहुत मीन्स बड़े लेवल पर ये प्रभावित करती है। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो हम पिता या माता बनने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं विटामिन ई की वजह से, ठीक है। और फिर है विटामिन के, फाउंड इन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलती है, टर्निप और बीट ग्रीन वगैरह इन चीज़ों में ये मिलती है। विटामिन के का आप जानते ही होंगे कि हमारे जो रक्त जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में ये उसका बहुत बड़ा रोल है। अब आ जाओ भाई, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं, तो इन ए डी ई और के, इसके अलावा बाकी सारी की सारी विटामिन हैं वो सब पानी में घुलती हैं। अब बची कौन कौन सी, एक तो विटामिन बची बी और एक बची सी। अब बी के फिर कई सारे फॉर्म हैं, B1, B2, B3, B4, ये है ना कई सारे, B12 तक जो जाते हैं, ठीक है, वो फिर सारे के सारे किस में घुलते हैं, ये पानी में। अब देख लीजिए आप, विटामिन बी1 का नाम है थायमिन, और जो है पॉर्क चॉप्स वगैरह इन सब में ये पाई जाती है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपके पास में B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, और B3 का नाम है नियासिन, B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का नाम है पाइरोडॉक्साइन, और B7 का बायोटीन, ठीक है, इसका बड़ा रोल है हेयर में, ध्यान रखना इसको, जो बाल टूटने लगते हैं। फिर है आपकी B9 की फॉलिक एसिड बोलते हैं इसको, फॉलिक एसिड का ही एक नाम क्या है, आयरन, जो बॉडी में आयरन की कमी होती है तो मार्केट में जो टैबलेट्स आती है वो आती हैं फॉलिक एसिड के नाम से। विटामिन B12, ठीक है, इसका एक नाम और है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन हमारे माइंड की याददाश्त मींस हमारी जो मेंटल पावर है उसमें बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इसका, B12 का। और ये केवल, इसकी खासियत और क्या है, ये केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, ठीक है, मींस आपको ये कहाँ नहीं मिलेगी, ये आपको फ्रूट्स वगैरह में और उनमें नहीं मिलती है ये, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट में। विटामिन सी आप जानते होंगे जितने भी खट्टे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में पाई जाती है, और विटामिन सी का हमारी स्किन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है। जब जुकाम काम हो जाता है तो डॉक्टर हमेशा उसमें से एक ऐसी चीज़ देते हैं जिसमें विटामिन सी हो, ठीक है, तो विटामिन सी जुकाम वगैरह पैदा करती है, जैसे दही वगैरह जो होती है उसमें मिलती है, और जूसेस वगैरह होते हैं खट्टे उनमें मिलती है। तो आज के लिए इसमें हमारा इतना ही, बस आपको क्या करना है, जो पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आए तो उनको आपको क्या करना है, रीप्ले करना है, और वहाँ से चीज़ों को क्या करते जाना है, आपको नोट करते जाना है। आपको एक अलग से एक नोटबुक बना लेनी है इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को जो है रिकॉर्ड करने के लिए, आपको मेन मेन चीज़ें वहाँ पर क्या करती जानी है, नोट करते जाना है, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं आती फिर उसको क्या करें, आप थोड़ा सा गूगल करें, और यही एक सही तरीका होता है स्टडी करने का। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दें, और अपने साथियों के साथ में जिसको शेयर कर लें। कल फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, और आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, हमारी लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने सजेशंस आपकी कंप्लेंट्स हमको बताइए, हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।